हड़ताली मुलाजमों की कुछ डिमांड्स है, पर जेन्युइन डिमांड्स हैं। अगर वो सरकार के एम्प्लॉई हैं, टीडीडी डिपार्टमेंट को उनकी तनख्वाह देनी चाहिए, ना कि डेपुटेशन के अंदर भेज करके पहले तनख्वाह वहाँ निकलेगी, फिर आगे जाएगी, फिर आगे मिलेगी। इसका मैं विरोध करना चाहता हूँ। जो कैजुअल लेबर है, डेली वेजर हैं, अरे इन सियासतदानों ने अपनी सियासत चमकाने के लिए किसी से 1 लाख लिया, 2 लाख लिया और उनको डेली वेजर बना दिया सारी उम्र के लिए। डेली वेजर बच्चे भी हो गए, आज भी डेली वेजर हैं, लेकिन उसके विषय के अंदर कोई विचार करने का प्रयास नहीं करना चाहता। बार बार यही शब्द किए जाते हैं, पता नहीं कितनी संख्या के। अगर पता नहीं तो पता करो ना भाई, जो डेली वेजर है उनको पक्का करो। माननीय उपराज्यपाल जी, आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, किसी 70 वर्ष ये डेली वेजर रहेंगे और रिटायर भी डेली वेजर होंगे, लेकिन एम्प्लॉई से कहना चाहता हूँ, अरे ये कोविड का समय है, घर के अंदर बिजली नहीं है, क्षेत्रों को आपने बंद कर दिया है, आपने कहा यहाँ बिजली बंद है, बिजली नहीं आएगी। अरे बिजली नहीं आएगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे, बिजली नहीं आएगी तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, बिजली नहीं आएगी तो पेशेंट कैसे जाएंगे। गांधीनगर अस्पताल की बिजली बंद हो गई, ऑपरेशन कैसे होंगे। एसेंशियल सर्विसेज बंद करने का अधिकार किसी को नहीं है। और सरकार ने अगर आर्मी को बुलाया है, आर्मी भी सारे जम्मू प्रोविंस और कश्मीर की बिजली को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास नहीं करना चाहती है, हो नहीं सकता जब तक ये एम्प्लॉई काम नहीं करेंगे। और आर्मी के कुछ इंजीनियर आए हैं, आर्मी नहीं आई है, ये बार बार जो हम घोषणा कर रहे हैं ये आर्मी को बुला लिया, आर्मी के इंजीनियर को बुलाया है। अगर दूसरी व्यवस्था बंद हो गई तो आर्मी के इंजीनियर के माध्यम से उस व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास। द इंजीनियर्स ऑफ द आर्मी, इट इज़ नॉट द पूरी के पूरी आर्मी को बुला लिया है। ऐसे कोई आलात पैनिक डालने के नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन एम्प्लॉई से ज़रूर कहना चाहता हूँ, अरे लोगों से तुम्हारा झगड़ा क्या है, लोगों से गुस्सा क्या है, उनकी बिजली बंद क्यों है, क्यों लोग और आप आपस में लड़ें, आपकी लड़ाई